डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेड्स मेजर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इंटीग्रेशन टेस्टिंग, और इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है, इसका रियल लाइफ एग्जांपल आपको सारे के सारे पॉइंट्स जो है वो मैं इस वीडियो में कंप्लीट करूंगा। तो गाइस, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अब तक आपने नहीं करो, अगर कर भी दिया तो और डिवाइस से सब्सक्राइब करवा सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था यूनिट टेस्टिंग कि एवरी यूनिट मस्ट बी टेस्ट इंडिविजुअली। मतलब जब भी हम सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर ऐसा तो है नहीं कि एक ही बंदा एक टाइम पे सारे काम कर रहा है, नहीं, मल्टीपल लोग जो है वो मल्टीपल टीम्स वहां पे बनी हुई हैं और वो लोग अपना अपना टास्क जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं, और लास्ट में क्या होता है, वो सारे टास्क को क्या करना होता है, इंटीग्रेट, कंबाइन करना होता है, ठीक है ना। तो जब हमने यूनिट टेस्टिंग कर ली, मतलब हर एक मॉड्यूल को हमने टेस्ट कर लिया, अब उन सारे मॉड्यूल्स को क्या करना है, कंबाइन करना है, और कंबाइन करते टाइम जब हम टेस्टिंग करते हैं उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इसीलिए नाम ही क्या है, इंटीग्रेट कर रहे हो आप, अलग अलग यूनिट्स को इंटीग्रेट कर रहे हो, और ऑब्वियसली फाइनल प्रोडक्ट तो तभी बनेगा जब सारों को इंटीग्रेट करोगे। वही कार वाला एग्जाम्पल जैसे मैंने लास्ट टाइम भी दिया था यूनिट टेस्टिंग में, वही देता हूं कि अलग अलग सिस्टम है, इंजन का सिस्टम, ब्रेकिंग का सिस्टम, एग्जॉस्ट का सिस्टम है, या फिर इग्निशन फ्यूल सिस्टम है, ब्रेकिंग सिस्टम है, अब सारा कुछ हम लोग क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। अब कार को एक शेप दे रहे हैं और उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। दैट इज व्हाट द एग्जांपल ऑफ इंटीग्रेशन टेस्टिंग। तो वही कह रहे हैं, इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज अ कंडक्टेड टू इवैल्यूएट द कंप्लायंस ऑफ अ सिस्टम और कंपोनेंट विद स्पेसिफाइड फंक्शनल रिक्वायरमेंट। मतलब जो यूजर ने रिक्वायरमेंट दी थी, जो SRS डॉक्यूमेंट में रिक्वायरमेंट लिखी हुई है, क्या उन सारी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हम लोग जो है वो अपना जो इवैल्यूएशन यहां पे कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट का, क्या उसके अकॉर्डिंग ये फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो यानी आपकी इंटीग्रेशन टेस्टिंग पास हो जाती है, अगर नहीं कर रहा तो यानी आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो ये एक तरह से स्टेप टू हो गया। पहला स्टेप क्या है, यूनिट टेस्टिंग, दूसरा स्टेप क्या है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, और तीसरा स्टेप फिर आ जाता है सिस्टम टेस्टिंग। मतलब जब पूरा सिस्टम आपका तैयार हो गया, फिर उसके अंदर अल्फा टेस्टिंग आ जाता है कि कौन कर रहा है, जो डेवलपर है वो खुद कर रहा है, फिर बीटा टेस्टिंग, फ्रेंडली कर रहे हैं, फिर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, वो सिस्टम टेस्टिंग के अंदर फर्दर आएगा। तो अभी हम लोग क्या है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग के टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला आ गया बिग बैंग। बिग बैंग का मतलब क्या है कि आप क्या कर रहे हो, अब देखो यूनिट्स जो है वो अलग अलग तरीके से तैयार हो रहे हैं, अपनी अपनी टीम जो है वो बना रही है सारी, कम से कम आप दो या तीन यूनिट्स को पहले कंबाइन करो और कंबाइन करने के बाद आप उसको टेस्ट करना स्टार्ट करो। ऑल्दो वो यूनिट्स जो है वो आपस में इंटीग्रेट होने के काबिल होने चाहिए। जैसे आप स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम ले लो, अब स्टूडेंट के मैनेजमेंट सिस्टम में स्टूडेंट अपनी इंफॉर्मेशन, अपना डेटा चेक कर सकता है, अपने मार्क्स चेक कर सकता है, अपनी अटेंडेंस चेक कर सकता है, बट उसको अपडेट नहीं कर सकता, मतलब मार्क्स वगैरह को अपडेट नहीं कर सकता, हाँ अपनी इंफॉर्मेशन अपडेट कर सकता है। तो बहुत सारे मॉड्यूल्स उसमें बन रहे हैं, तो हमने क्या किया, दो मॉड्यूल्स को उठा के उनको इंटीग्रेट किया और फिर उसके ऊपर टेस्टिंग की। तो धीरे धीरे करके हम लोग जितने मॉड्यूल्स मेरे तैयार हैं, जितने यूनिट्स मेरे तैयार हैं, उनको कंबाइन करके टेस्ट कर रहे हैं। दैट इज व्हाट अ बिग बैंग। फिर आ जाता है हमारे पास टॉप डाउन। टॉप डाउन टेस्टिंग का मतलब क्या है कि आप लोग क्या कर रहे हो, जैसे कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन किया तो सबसे जो टॉप प्रायोरिटी वाला या सबसे जो ऊपर वाला फंक्शनैलिटी है, सबसे पहले आप उसको टेस्ट कर रहे हो। ऊपर वाला मतलब जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, वही स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम या यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम ले लो, जिसमें स्टूडेंट्स का भी डेटा है, फैकल्टीज का भी डेटा है, लाइब्रेरी का डेटा है, बहुत सारे उसमें छोटे छोटे मॉड्यूल्स हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें सबसे हाई प्रायोरिटी वाला, लेट से कि स्टूडेंट अपनी फीस पेमेंट कर रहे हैं, अब फीस वाला क्राइटेरिया जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम सबसे पहले उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट टेस्टिंग में उसको सबसे पहले टेस्ट करेंगे, फिर उससे कम प्रायोरिटी वाला, उससे कम प्रायोरिटी वाला, उससे कम प्रायोरिटी वाला, इस तरीके से हम लोग जो है वो टेस्टिंग करेंगे। बॉटम अप उल्टा हो गया। बॉटम मतलब कि जो सबसे लो में, मतलब सबसे जो आप कह सकते हो कि सबसे नीचे लेवल का जो है आपका यूनिट, उसको सबसे पहले टेस्ट कर रहे हैं और फिर धीरे धीरे करके हम लोग ऊपर की तरफ आ रहे हैं। जैसे पेटीएम का भी एग्जांपल ले लो कि पेटीएम के अंदर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस वहां पे होते हैं, आप अपना चेक कर सकते हो, बैंक बैलेंस चेक कर सकते हो, आप पेमेंट कर सकते हो, आप बिल पे कर सकते हो, आप इंश्योरेंस में कोई फी, आपको फीस पेमेंट करनी है, या लेट से आपको कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, आपको एंड टू एंड कोई ट्रांसफर करने है पैसे, बहुत सारी फंक्शनैलिटीज आपको देता है। बट उसमें से लेट से पेटीएम कहता है कि जो सबसे प्रायोरिटी वाला फीचर है वो क्या है, कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना। तो टॉप डाउन में सबसे
पहले उसकी टेस्टिंग होगी। और लेट्स से पेटीएम कहता है, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूं, लेट्स से पेटीएम कहता है कि अगर आप कोई भी मूवी टिकट बुक करवाना चाहते हो पेटीएम से, तो वो हमारा सबसे नीचे वाला फीचर है, सबसे नॉर्मल फीचर है, तो बॉटम अप में हम सबसे पहले उसको टेस्ट करेंगे। जस्ट एग्जाम्पल से आपको रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको पता लगे कि किस तरीके से इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है। और फाइनली आ जाती है मिक्स्ड, जो कि इन दोनों का ही एक तरह से कॉम्बिनेशन है। थोड़ा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन एग्जाम्पल से आपको थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करो ताकि आपको पता लग जाए एग्जाम में अगर कोई पूछता है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई पूछता है, तो आप इतने पॉइंट्स भी अगर मेंशन कर देते हो सफिशिएंट है। थैंक यू।